अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। तो पुरुषत्व, सिंसियरिटी ने मोरालिटी नु महत्व क्या आवे? बहुत कीधु छे अधर्म विज्ञान में लखेलू के सिंसियरिटी ने मोरालिटी। तो अमने लोगो ने महात्माओ ने प्रतिष्ठित आत्माना लेवले सिंसियरिटी ने मोरालिटी खपे इले जोइए। मोरल सिंसियर और मोरल का मतलब होता है यू बाउंड द प्रिंसिपल एंड सिंसियरली यू फॉलो द प्रिंसिपल, दैट इज इम्पोर्टेंट। आप अगर प्रिंसिपल को निग्लेक्ट करोगे तो यू हैव नो एथिक, यू आर नॉट मॉरल पर्सन, यू अंडरस्टैंड। कोई भी बात करते समय अगर आप सिद्धांत को ही बाईपास कर दोगे तो देर इज नो वैल्यू ऑफ द स्पिरिचुअल पाथ। तो व्यवहार में व्यवहार करते रहो, बट इन अवर विजन ऑलवेज कीप द यूनिवर्सल ट्रुथ लॉ, बिकॉज द लॉ इज परमानेंट, अवस्था इज टेम्पररी। तो ये हमारा मॉरल है एंड वी फॉलो द प्रिंसिपल इन ईच एंड एवरी सर्कमस्टेंसेस सो दैट वी कैन फील द सेपरेशन बिटवीन रिलेटिव एंड रियल, बिटवीन टेम्पररी एंड परमानेंट। अप्लाई करवा That way we can utilize and realize it. That is the process. आप समझे? यही प्रक्रिया है। आज इतने सारे लोग मेरे को प्रश्न कर रहे हैं, क्या यह सब प्रश्न का उत्तर मैं पढ़ के देता हूँ या सोच के आपको उत्तर देता हूँ? ऑन द स्पॉट देता हूँ। ये विजन है, ये मेरा दर्शन है, ये नॉलेज नहीं है। आपके प्रश्नों का उत्तर मैं सोच के नहीं बताता हूँ, कहाँ लिखा है उसको भी याद करके नहीं आपको दिखाता हूँ। ये विजन है, ये दुनिया के लोगों को मालूम नहीं होगा। ये जब अनुभव होगा तब मालूम होगा कि दर्शन का मतलब क्या होता है। दर्शन का मतलब होता है 24 आवर्स लाइव विजन। इसमें पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है, ऑटो मोड पे काम करता है। मेरी हर जवाब में शब्द निकलेगा वो विजन के माध्यम से निकलेगा। इसलिए मेरे को सिद्धांतिक बोलना है कि नहीं बोलना है वो ऑप्शन नहीं है मेरे पास, सिद्धांत ही निकलेगा क्योंकि उसी विजन से शब्द निकलते हैं। आप समझे? तो वो ऑटो मोड हो गया। क्या हो गया? हाँ, अगर आप सिद्धांत से कुछ उल्टा सुलटा बोलोगे ना तुरंत यहाँ बता देगा मेरा थर्मोमीटर कि दिस इज नॉट करेक्ट। वो रिलेटिव व्यू पॉइंट है, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। आप समझे? तुरंत बता देगा। सेंटेंस किसी का भी है कोई फर्क नहीं होगा, मगर सिद्धांत अपने आप बता देगा कि दिस इज नॉट यूनिवर्सल ट्रूथ। अभी दादा भगवान ने कहा कि आप हाथ ऐसा करोगे तो भी सिद्धक्ष जीव देख सकते हैं। अभी वो प्रिंसिपल एक्सेप्ट नहीं करता है, उनके पास विनाशी अवस्था देखने जानने की शक्ति नहीं है, मगर रिलेटिव व्यू पॉइंट इज ओके, यूनिवर्सल ट्रूथ इट इज नॉट ओके। ये सैद्धांतिक बात नहीं है। फिर किसी ने कहा है वो व्यक्ति के नाम से इम्पोर्टेंट नहीं है। कई लोग कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष या तीर्थंकर मोक्षदाता है, सिद्धांत नहीं एक्सेप्ट करता है, वो मोक्षदाता नहीं है, मोक्ष मार्गदाता है। तो लोग श्रद्धा से जीते हैं बिकॉज दे डोंट नो द प्रिंसिपल। वो मैजिक समझते हैं। क्या समझते हैं? कि मैं मोक्षदाता हूँ, आपको मोक्ष दे दिया, ऐसा थोड़ी होता है। मगर लोग बोलते भी है, मानते भी है, पढ़ते भी है और चलता है। तो सिद्धांत में ऐसा नहीं है। आप ऐसा बोलोगे तो यहाँ सिद्धांत क्लियर कर देंगे, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज ओनली रिलेटिव व्यू। आपके विजन में सिद्धांत से हटना वो आप मतलब चलित हो गए। आपका विजन सिद्धांत से चलित नहीं होना चाहिए। उदय तो जो भी है वो बराबर, उदय की बात नहीं है। विजन में प्रिंसिपल हर समय होने चाहिए, वो चलित नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए बराबर। और मॉरालिटी उसके साथ ही आती है। मॉरल का मतलब होता है वी बाउंड टू रियलाइज एंड फॉलो एंड वी बाउंड टू फॉलो एंड इन आल्सो वी एक्सेप्ट द प्रिंसिपल एज इट इज विदाउट एनी कंफ्यूजन।
अगर संपूर्ण समझ में नहीं आता है तो डोंट वरी, इसमें घबराने की जरूरत नहीं। मगर हम मॉरल है कि यही सिद्धांत है, आज नहीं तो कल। जब हमको खुद को ही इस सिद्धांत के ऊपर डाउट होगा, हम आगे कैसे बढ़ेंगे? बराबर। मैंने ये तो कहा, हम दादा भगवान की कितनी सारी बातें हैं जिसके ऊपर हमको डाउट है, हम फॉलो करते फिर भी डाउट है, रिजल्ट कैसे आएगा? बराबर। ये दादा भगवान ने जहां तक जहां जहां विज्ञान शब्द का प्रयोग किया है, वहां अक्रम विज्ञान शब्द नहीं लिखा है। आप हजारों उसके आप तो सूत्र पढ़ लो, जहां जगह विज्ञान शब्द का उपयोग किया है 90% प्लेस पे, वहां अक्रम विज्ञान शब्द नहीं लिखा है, विज्ञान लिखा है। तो इसीलिए मैंने कहा कि विज्ञान शब्द है और अक्रम विज्ञान, वो डिफरेंस हो गया। अक्रम विज्ञान इज अ पाथ एंड क्रमिक विज्ञान इज अ पाथ, और दोनों के अंदर अध्यात्म विज्ञान तो एक ही है, क्रम अक्रम में दो साइंस अलग अलग नहीं है। और मैं यही साइंस की बात करता हूँ जो क्रम अक्रम दोनों में काम आएगा, क्रम में जाओगे तो भी काम में आएगा, अक्रम में भी काम में आएगा। नाउ यू अंडरस्टैंड राइट? तो यहाँ यह क्रम अक्रम सब्जेक्ट ही नहीं है मेरा। क्या नहीं है? सब्जेक्ट नहीं, दोनों में साइंस तो एक ही है। इस दुनिया में साइंस दो प्रकार की हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता है। So, मैं आध्यात्मिक विज्ञान की बात करता हूँ, बियॉन्ड क्रम एंड अक्रम। आपको कोई भी रास्ते पे जाना चाहते हैं जा सकते हैं, मगर ये विज्ञान को समझना पड़ेगा। और इसीलिए यहाँ न ज्ञान विधि की बात है, न आज्ञा की बात है, न ससाधन की बात है, क्योंकि यह क्रमिक मार्ग का है, यह अक्रम मार्ग की प्रोसेस है। दोनों रिचुअल्स के ऊपर डिपेंड है, और साइंस बियॉन्ड रिचुअल्स है, बियॉन्ड फॉर्मेट, जो मैंने कहा था पहले। तो इसलिए मैं मेरा ये सब्जेक्ट ही नहीं है। और एक मैंने कहा ना, ये मेरा पूरा दर्शन टोटली नया है। साइंस एक ही है, दर्शन मेरा अनुभव का बिल्कुल नया है, और इसलिए प्रेजेंटेशन भी क्या है, मौलिक है। आप समझे ना? और जितने भी प्रश्न करोगे सभी प्रकार के उत्तर यही साइंस में है। અક્રમની અંદરમાં તમારો અહંકાર શુદ્ધ કરીને શુદ્ધ ચિત્ત બનાવે છે, જ્યારે ક્રમિકની અંદરમાં અહંકાર શુદ્ધ કરતા કરતા જવાનું છે, એ વેર તો ફેર પડે છે ને, તો માર્ગની અંદરમાં તો એનો ક્લિયરન્સ કરો નહીં। તમારે આ ક્રોધ છે તો એને ક્ષમા દ્વારા, સરળતા દ્વારા, લોભને એ રીતે એ રીતનો માર્ગ છે આખો ક્રમિકમાં, અને આની અંદરમાં તો સીધું તમને આ કરીને પછી એનો નિકાલ જ કરવાનો છે। अक्रम विज्ञान की जो डेफिनेशन है, बनने जगह तो सिद्धांत की बात करता हो तो रोचना पड़वो जोइए। प्रिंसिपल तो एक ही होता है, प्रिंसिपल तीर्थंकर भगवान ने छह तत्व बताए तो क्रम अक्रम में अलग कहेंगे। अल्टीमेट तो वही है ना, पर रियाज से भी ज्यादा कहा है और इसीलिए मेथड अलग है। क्या है? बराबर है। तो मेथड अलग तो व्यवहार से देखेंगे तो दुनिया के हर धर्म में मेथड अलग है, मगर यहाँ मेथड के अंदर इतना प्लस किया है के क्रमिक मार्ग में क्रिया करते करते मुक्ति होगी। और यहाँ बताते हैं कि यहाँ क्रिया करते करते मुक्ति नहीं होगी, क्रिया करने वाले से अलग रहने से मुक्ति होगी। मगर धीरे धीरे क्या हो गया कि विज्ञान लोगों को नहीं समझ में आया, इसीलिए क्रिया को ही पुरुषार्थ के रूप में क्रमिक मार्ग की तरह देना पड़ा। और आज इतनी सारी रिचुअल्स हो गई है, जो भी लोग यहाँ बैठे सब लोग स्वीकार करेंगे कि आपको ये अक्रम विज्ञान मिलने से पहले जितनी क्रिया आप आपके धर्म की करता था, इससे आप ज्यादा करते हैं या कम करते हैं? फिर मैं आपको लिस्ट पिनाऊंगा। फिर कम है तो फिर मैं लिस्ट गिनाऊंगा। सब लोग एक्सेप्ट करेंगे पहले से ज्यादा क्रिया है, कॉमन सेंस से आप एक्सेप्ट करेंगे। पहले हम क्या करते थे, मंदिर में जाते थे, भगवान की पूजा करते थे,
ओकेजनली बड़ा प्रसंग होता हो तो आरती करने के लिए जाते थे, और बड़ा फंक्शन होता है तो हम फिजिकली वहाँ अटेंड होते हैं, और अटेंड होते समय जो कुछ धार्मिक प्रवचन वगैरह थे वो सुनते थे, और वहाँ भी उस समय भी आरती होती थी या कुछ स्तवन गाते थे या कुछ धार्मिक भजन गाते थे, हम बैठते थे और कोई ज़्यादा क्रिया नहीं थी। और धार्मिक त्यौहार आता है तो वो उपवास वगैरह करते थे, उससे ज़्यादा डेली कोई क्रिया हर धर्म के अंदर नहीं थी। आज कोई भी व्यक्ति को बुला लो, आपने ज्ञान नहीं लिया, कौन सी क्रिया करते हैं आप? रुद्री मंत्र बोलना है, नमस्कार विधि बोलना है, नवकलम बोलना है, चरण विधि बोलना है, शुद्धात्मा के प्रति प्रार्थना बोलना है, आप समझे, फिर आपको आरती करनी है, फिर समय बचे तो प्रतिक्रमण करना है, सामायिक करना है, अगर ज्यादा समय बने तो आंखों बंद करके पुराना भी देखते रहो। कौन सा टाइम ऐसा है जिसको आपको फ्री मिलता है? दिया नहीं, आप नहीं करो वो अलग बात है, इतना 24 आवर सेट कर दिया कि कुछ नहीं करने का है और करके बिना टाइम पास नहीं करना है आपको। नहीं, यही तो कहते हैं हम, ये करे जे के थई जाए छे। इसी बात को ही तो हम अक्रम में पुरुषार्थ कहते हैं। अगर मैंने कहा कि मैंने विधि नहीं किया है तो बड़ा सुंदर, ज्ञानी पुरुष की आज्ञा का पालन ही नहीं किया है, तुम पुरुषार्थ ही नहीं करते हो, यही भी उत्तर है उसका। तो बात तो ऐसे करोगे ऐसे करोगे पकड़नी पड़ेगी। तो सिद्धांत में सिद्धांत है और श्रद्धा में श्रद्धा की बात है। जो क्रिया पहले भी नहीं करते थे रेगुलर कोर्स में, आज इसका भी इतनी ज्यादा क्रिया हो गई कि लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने आज ये छूट गया, ये छूट गया, ये छूट गया। और फिर बाद में क्या होता है, विसामयिक प्रतिक्रमण, फिर समय मिले ये सब कुछ करने के बाद तो सामयिक प्रतिक्रमण। कई लोग कहेंगे कि हम तो दो बार आरती करते हैं इतना लाभ होता है, तो फिर वो शुरू कर देंगे दो बार। तो यानी मेरा कहने का मतलब है आज हम अक्रम विज्ञान को क्रिया के रूप में ही पुरुषार्थ के रूप में समझे हैं, और इसीलिए दादा भगवान ने कहा कि बाल की टोच जितना साइंस बाहर नहीं निकला, क्योंकि लोगों को ही इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए उसके पास नहीं था, वो तो प्रश्न ही नहीं, इंटरेस्ट नहीं था। आज आप सब मेरे को सोशल प्रश्न करेंगे तो मेरे पास विज्ञान कहाँ से निकलेगा, कहाँ से निकलेगा? मगर जब मैंने बेस बना दिया पूरा साइंस का, जब मैंने कहा कि मन वचन काया जन्म से मौत तक कर्मों की भुगतान का साधन मात्र है, उसमें पुरुषार्थ का अंश मात्र नहीं है, तभी आप उसके बारे में प्रश्न नहीं करते हैं। एमा चरणविधिमां मेरा पहला वाक्य में उल्लेख तो करो, एक सगरू करता को नहीं करता, ने પોતાનું સ્વરૂપ અકર્તા છે, લક્ષમાં રાખીને ક્રિયા થઈ રહી છે, એની અંદરમાં ફક્ત ઉપયોગ રાખવા છે, ભાવ તો વચ્ચે માં જે પ્રતિષ્ઠાત્મા છે તેના છે। वही तो कहा है कि ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने समय समय पे विज्ञान पेश किया है इन अ शॉर्ट फॉर्म इन अ सेंटेंस, मगर आम महात्मा इसको समझ नहीं सके। और आप कोट कर दिया आपने सेंटेंस, सेंटेंस तो साइंटिफिक है, उसमें उन्होंने खुद ने ही कहा है कि मन वचन काय की अवस्था मात्र कुदरती रचना, अवस्था मात्र का, फिर भी हम मन वचन काया से होती हुई क्रिया को पुरुषार्थ मानते हैं और मनवाते हैं, और नहीं होता है तो हमको क्या होता है, पजल भी होता है, क्योंकि हम क्रिया को पुरुषार्थ मानते हैं। अगर नहीं मानेंगे तो पजल कैसे होगा, होगी वो भी उदय कर्म, नहीं हुआ वो भी उदय। क्रमिक मार्ग में क्या होता है, अभी मैं पूजा करता हूँ आज नहीं होगी तो मेरे को क्या करना पड़ता है, प्रायश्चित करना पड़ता है साधु भगवान के पास जाके कि मैंने आज पूजा नहीं किया, फिर वो कहेंगे आपको आयमेल करना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा, क्योंकि क्रिया का इम्पोर्टेंट है। ऐसे यहाँ भी क्रिया का इम्पोर्टेंट है। तो सिर्फ ज्ञानी पुरुष ने जो कुछ कहा है सिद्धांत के रूप से वो तो सैद्धांतिक है ही, हम कितना समझ सके वो इम्पोर्टेंट है। इसने नहीं कहा है वो तो सवाल ही नहीं, वो तो साइंटिस्ट थे ही, उसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। और उन्होंने खुद ने कहा कि बिगिनिंग में मैंने इस प्रकार की साइंटिफिक प्रोसेस के जरिए लोगों को विज्ञान देने की कोशिश किया, मगर हम उसमें फेल हो गए और बाद में धीरे धीरे इसको रिचुअल्स देना पड़ा मेरे को वन बाय वन। दैट्स इट, नहीं वही तो मैं कहता हूँ। और आज रिचुअल्स को ही पुरुषार्थ मानते हैं। जारे ज्ञान आपवामां आवे छे, भेद ज्ञान एने जाणवामां आवे छे, તે વખતે તો આપે છે બરોબર બધું આપે છે, પણ પછી જે જેને પ્રાપ્ત થયું છે ગ્રહણ કર્યું જ્ઞાન એને સમજમાં નથી આવતી હું છૂટો છું, એ છૂટો છે એને ખબર પડવી જોઈએ ને, એ તો એને એ વખતે થોડો અણસારો આવી જાય, પણ એને ખબર નથી પડતી હું છૂટો છું જ, એને
હતો જ. એને આપે એ જોક બાજે તારે એની મૂંઝવણ દૂર થાય. વહી તો હૈ ને, વહી વહી તો મેં કહા જો પ્રત્યક્ષ જ્ઞાની પુરુષ થા ઉસ સમય ભી જબ ઇસકા જોક નહીં લગા તો કબ લગેગા ફિર. અરે એમને જે મૂળ જ્ઞાન આપ્યું છે ને ત્યારે હું શુદ્ધાત્મા છું એ ભલે બે જ્ઞાન આપ્યું છે પણ એને હું તો મૂળમાં જ મૂકેલો છે. પણ એની વાત થતી જ નથી. સત્સંગ થાય લોકો ને લાભ નું કારણ છે તો ઉસી કે ઉપર તો સત્સંગ કરતા હે અભી અભી યહી ઇસીલિયે મેને કહા ને કે યહાં કોઈ રિચ્યુઅલ્સ કી બાત નહીં હૈ. જબ બેઝ જ નહીં તો ફિર ક્યાં વાત હૈ. જ્યારે મૂળની અંદરમાં જેનું પણું વ્યાપ કરે તો જ એને એનો અનુભવ થાય, તો જ એને ખુલે બધું નિરાકુર ત્યારે થાય. એ ત્યાં એ થાય જ નથી. બરાબર હૈ. તો ઇસીલિયે ધીરે 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 જો લોક જિજ્ઞાસુ હો ગયે તો ઇનકો એ સાયન્સ મિલેગા. બાકી જો રિચ્યુઅલ્સ હૈ યા જો ફોલોઅપ હૈ વો તો ચલતા હી રહેગા ક્યોંકિ અભી માર્ગ બન ગયા. ક્યા બન ગયા? જૈસે દુનિયા કે હર ધર્મ કા પાથ બન ગયા, એસે પાથ બન ગયા તો પાથ તો ચલતા હી રહેગા, ઉસમે કોઈ કમી નહીં આયેગી. જૈસે મહાવીર કા ભી પાથ ચલતા હૈ 2600 સાલ સે, શિવ કા ભી પાથ ચલતા હૈ, કૃષ્ણ ભગવાન કા ભી ચલતા હૈ, રામ કા ભી, સબ કા અપના અપના માર્ગ ચલતા હૈ. એસે માર્ગ તો ચલતા રહેગા, માર્ગ મે કોઈ કમી નહીં આયેગી. મગર ઇસમે સે સાયન્સ ધીરે ધીરે નિકલ ગયા. સ્વામીજી ડગલી સાહેબ ની વાત છે તો બહુ જ મુદ્દાની. એમણે જે હમણાં વાત કરી એ ખરેખર એના પર થોડો પ્રકાશ પાડો તો ઘણો ફરક તો પડે જ. કારણ કે છે વાત બહુ મુદ્દાની એમની, એકદમ પોઈન્ટ એ જ છે કે અનુભવ કરવા માટેની જે વાત છે તે એ જ છે. એ પકડાશે તો જ કશું થવાનું છે, એમ તો કશું જમા થવાનું જ નથી. પછી ભલે તમારી ગમે તેટલી શિબિરો કે અટેન્ડો કર્યા કરી એ પાછું પેલું ને પેલું જ બની શકે એવું દેખાઈ રહ્યું છે. જો આ વસ્તુ પકડાય ઓર ઇસીલિયે ઇસીલિયે યહાં બાત હી નહીં હૈ. ડોવરશિપ કોઈ એક્શન કે ફોર્મ મે પુરુષાર્થ કી બાત હી નહીં હૈ ના. એગ્રી એગ્રી હું તમારી વાત જોડે. પણ એમણે જે કીધું એની પર તમારા લેવલ પર થોડો પ્રકાશ પાડો તો ઘણા બધાને ફરક પડી શકે એવું મને ભી. નહીં મેં તો વહી વાત કરતા હું ને. તમે તો કરો છો સાહેબ, એવું જરૂરી નથી તમે જે બોલી દો એટ અ ટાઈમ જ એ સમજાઈ જાય બધાને. પણ વો નહીં સમજ મે આતા હૈ વો બરાબર બાત હૈ, મગર યહાં રિલેટિવ સત્ય કી તો બાત હી નહીં હોતી હૈ ને. અગર કિસી કો ઓર કુછ સમજના હૈ તો રિલેટિવ સત્ય કી તો બાત હી નહીં હોતી હૈ. તો કૈસે ભી કરકે વો યહી સનાતન સત્ય ઉસકો કૈસે ભી કરકે સમજના હૈ, ક્યોંકિ યહાં ઓપ્શન નહીં હૈ. ક્યા નહીં હૈ? બાર બાર જિતની બાર આઓંગે તો યહી સાયન્સ કી બાત હોગી, હેમરિંગ યહી હોગા, રિપીટેશન યહી હોગા, સિદ્ધાંત યહી હોગા. તો આપકો રિલેટિવ સત્ય મે જાના હૈ તો ભી નહીં જા સકતે. અગર આપકે પાસ સત્તા મે પડા હૈ તો ભી ધીરે ધીરે ખત્મ હો જાયેંગે, ક્યોંકિ યહાં ઇસકો સપોર્ટ નહીં મિલતા હૈ. દાના પાણી નહીં મિલેગા, હવા પાણી નહીં મિલેગા તો ગ્રો કૈસે હોગા, ખત્મ હો જાયેગા. તે કોશો તમારો પ્રયત્ન 100% સાચો છે, પણ દાણા પાણી ખાલી અહીંયા જે 2 કલાક થી 2 કલાક ગણો કે 7 દિવસ ગણો પછી તો દાણા પાણી પુષ્કળ મળવાના જ છે. ઓ તો ઇસીલિયે ઉસકો તો પુરુષાર્થ બોલાય ને. તો એટલે જ કહું છું સાહેબ કે આવું કઈક તમારી પાસેથી અમને જે વાત કરી ને મારા મનમાં બી ગુમાતી હતી ને ચર્ચામાં નીકળી એમની વાત મને બહુ મુદ્દા એટલે કે એ છે ને એકદમ મૂળ પકડાયો. વાત સમજી શકું છું કે બધાને માટે બધું નથી હોતું, બધાના સ્ટેજીસ હોય, પણ તમારા તરફથી તમારા લેવલે ખુલ્લા કારણ કે તમને ખબર નહીં કુદરતી બક્ષીસ છે એવી કે એટલું ઇઝી નીકળે છે કે માણસને ફટ દઈને સમજાય. ખરેખર આ ગહન વાત તમે કરો છો પણ એટલી લોકભોગ્ય ભાષામાં થાય છે કે જેથી કરીને બહુ લોકોને પલ્લે પડે છે. તો એની પર તમે કંઈક વધારે પ્રકાશ પાડો તો બીજા જે થોડા કંઈક જરા જરા માટે અટકી રહ્યા છે. તમે જેવી આપણે વાત થઈ કે 99 એને અટકી જતો હોય તો જરાક ફરી કૂદી જાય તો પાર નીકળી જાય, એમ એના જેવું છે. એક વાર ક્લિક જ થવાની જરૂર છે. અભી કહાં અટક ગયે? બરોડા સે યહાં તક તો આયે ઓર મેં લંડન સે યહાં તક આયા, અભી અટકે કહાં આયા? કોઈ સાયન્સ 2 પ્રકાર કા નહીં હૈ. જે મેં બાર બાર કહા હૈ કે સાયન્સ 2 પ્રકાર કે નહીં હૈ, એક હી સાયન્સ હોતા હૈ. તો જો દાદા ભગવાન અપની જબાન સે ડ્યુ ટુ ધ સર્કમસ્ટાન્સીસ જો સાયન્સ સાયન્સ કે ફોર્મ મે ફૂલ ફોર્મ મે ઓપન નહીં કર સકે તાકી આમ જનતા યે સબ કુછ બાતે સમજ જાય
वो नहीं निकला वही साइंस निकलता है। साइंस तो दो प्रकार के नहीं है, आप समझे। तो उन्होंने अक्रम विज्ञान कह के आपको बता दिया है और आपने अक्रम विज्ञान वो साइंस का टाइटल ले लिया, पर दिस इज नॉट करेक्ट। साइंस तो साइंस होता है, उसमें टाइटल नहीं होता है। खैर, तो इसीलिए फिर मैंने कहा कि आध्यात्म विज्ञान यानी स्पिरिचुअल साइंस। तो ये ऐसी बात है कि धीरे धीरे आपको धीरे धीरे साइंस में फोकस देना पड़ेगा। Mm-hmm.